next question है, in an AP, the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Show that the 28th term is minus 112. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक AP है, तो उसमें A जो दिया हुआ है first term, वो कितना है? 2. और sum of first 5 terms, जैसे हमारे पास T1 plus T2, ये terms हैं T3, T4, T5. ये first 5 terms किसके equal हैं? Is equals to 1/4 of the next 5 terms. तो next 5 terms क्या होंगे? T6, T7, T8, T9, T10. तो question के according ये दिया हुआ है, ये 1/4, T6, T7, T8, T9 और T10 के equal दिया हुआ है. अब हमको ये दिखाना है कि जो T20th term है, उसकी वैल्यू -112 है. T20th टर्म में क्या लिखा जाएगा? T20th टर्म किसके इक्वल होगा? A plus 20 minus 1 into D. A मालूम है, N तो क्या पता ही है. तो अब हमको इस एक्सप्रेशन की हेल्प से D फाइंड करना है. अब देखो यहां पर क्या होता है, अगर 1 से लेके 5 तक लिखा हुआ है टर्म्स, तो ये तो S5 के इक्वल हो गया. S5 होगा क्या? सम ऑफ 5 टर्म्स ही तो होगा, T1 plus T2 जो सारे टर्म्स हैं, अगर हम उनको ऐड कर दें 1 से लेके 5 तक, तो ये तो S5 हो गया. अब यहां दिक्कत है कि यहां T1 है या T7 है, T8 है, T9, T10, क्योंकि जब आप सम लिखेंगे तो काउंटिंग तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होनी चाहिए ना. हम मिड टर्म से जैसे 6 से लेकर के 10 तक के सम का कोई फार्मूला नहीं बना सकते, क्या नहीं पता है? तो कुछ ऐसा किया जाए यहां पर इस एक्सप्रेशन में कि काउंटिंग हर जगह 1 से आ जाए. ठीक, तो क्या करेंगे, पहले इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब आ गया T1 T2 T3 T4 T5 और यहां पर क्या हो गया, T6 T7 T8 T9 और T10. अब क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड में, यहां से देखा, यहां कमी किसकी है S10 बनाने के लिए, 1 2 3 4 5 टर्म्स मिसिंग है, तो हम यहां पर प्लस कर रहे हैं T1 T2 T3 T4 और T5. जब हमने यहां प्लस किया ये T1 plus T2 plus T3 plus T4 T5, तो हमें यहां भी प्लस करना पड़ेगा, तो यहां भी प्लस कर देते हैं, क्योंकि प्लस जो हम करेंगे तो दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए ना, तभी तो कर पाएंगे. तो यहां हमने लिखा T1 T2 T3 T4 T5, ये हमें प्लस कर दिया दोनों साइड पे. अब देखो यहां पर 4 टाइम्स T1 T2 T3 T4 T5 था, और फिर हमने T1 T2 T3 T4 T5 ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स T1 प्लस T2 T3 T4 T5. अब फिर से देखो इसको, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ये 5 कैसे आ गया, तो एक तरीका और भी समझ सकते हैं समझने के लिए, कि भाई ये चीज यहां पर जो लिखी है और ये चीजें तो कॉमन है. मान लो इसका नाम हम A रख लेते हैं, तो ये भी A है, तो एक्सप्रेशन A प्लस 4A लिखा है, इसे तो 5A लिखना चाहिए. ठीक है, तो हमने ये 5A तो लिख दिया और ये 5A के इक्वल हो गया. अब यहां पर जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है उसमें प्लस का साइन है, तो ऑर्डर तो हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. इसे हमने T1 T2 T3 T4 T5 लिखा, प्लस T6 T7 T8 T9 और T10 लिख दिया. अब यहां प्रॉब्लम फिनिश हो गई. ये T1 से लेकर के T5 है, तो ये सम हो गया इसका 5 टर्म्स तक का, ये 5 टाइम्स S5 हो गया और यहां पर S10 हो गया. इस पूरे एक्सप्रेशन को S10 ही तो लिखेंगे,
भाई जब सारे टर्म्स को ऐड करके लिखेंगे 1 से 10 तो वो समी तो आएगा इस 10 का। अब ये देखिए ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं n बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का एस एन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहां हो गया n की जगह पर 5 बाई 2 टू ए, ए यहां पर पहले से दिया हुआ है, 4 हो गया n माइनस 1, n की जगह पर 5, 5 माइनस 1 और d, और s 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 बाई 2, n तो यहां पर 10 हो गया, 2 ए 2 इंटू 2 4 लिख देना डायरेक्ट, 4 हो गया, 10 माइनस 1 और d कितना है, ये तो फाइंड करना है, ये हो गया। अब देखो यहां से 5 हो गया और ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, 5 से इंटू कर रहे हैं, इस 2 को इधर भेजेंगे, 20 प्लस यहां पर 4 हो गया 20 डी, चाहते तो यहां से 2 से कैंसिल भी कर सकते थे, चलो नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 18 डी, तो 20 माइनस 8 किया तो 12 इज इक्वल टू 18 माइनस 20 डी इज माइनस 2 डी, तो डी हमारे पास निकल कर आ गया माइनस 6, डी कितना आ गया माइनस 6। अब डी मालूम हो गया तो टी 20 कितना हो जाएगा, टी 20 इज ए 2 प्लस 20 माइनस 19 और डी इज माइनस 6। अब यहां पर देखो कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू, 19 इंटू 6, 19 इंटू 6 4, 114, तो ये आ गया 2 माइनस 114 विच इज माइनस 112, यही हमको शो करना था। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है इसका, कि आप यहां पर T1, T2, T3, T4, T5 ऐड करेंगे इस साइड भी और इस भी।